नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो रोविंग प्रोसेस होती है या सिंप्लेक्स प्रोसेस होती है या आपका स्पीड फ्रेम होता है, तो उसका क्या काम होता है और किसी भी रोविंग फ्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कस शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो गाइज, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आज के डिस्कशन का टॉपिक है रोविंग फ्रेम और स्पीड फ्रेम और सिंप्लेक्स मशीन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रोविंग फ्रेम मशीन। तो गाइज, ये जो हमारी रोविंग फ्रेम होता है, तो देखिए ये क्या काम करता है और कौन सी स्प्रिंग प्रोसेस के बाद में रोविंग फ्रेम का यूज होता है और रोविंग फ्रेम का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर द रोविंग फ्रेम और स्पीड फ्रेम और सिंप्लेक्स फ्रेम इज ए मशीन विच कम्स बिटवीन ड्रॉ फ्रेम एंड रिंग फ्रेम और बिटवीन कॉम्बर एंड रिंग फ्रेम मशीन। तो गाइस, जो हमारा सिंप्लेक्स मशीन होता है या रोविंग फ्रेम मशीन होता है या स्पीड फ्रेम मशीन होता है, वो आपके या तो ड्रॉ फ्रेम और रिंग फ्रेम के बीच में आता है या आपके कॉम्बर और रिंग फ्रेम के बीच में आता है। द ड्रॉन स्लाइवर इज यूज्ड एज ए फीडिंग मटेरियल इन द सिंप्लेक्स मशीन। और जो हमारा सिंप्लेक्स मशीन होता है या रोविंग फ्रेम होता है, उसके लिए जो हम फीड मटेरियल का यूज करते हैं वो एक ड्रॉन स्लाइवर होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस द रिजल्टेड मटेरियल इज कॉल्ड रोविंग। तो गाइस, ये जो रोविंग प्रोसेस होती है या सिंप्लेक्स की प्रोसेस होती है, तो इसके पूरे होने के बाद में जो आउटपुट मटेरियल हमें मिलता है उसको हम रोविंग कहते हैं। वी कैन से दैट द सिंप्लेक्स इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स द ड्रॉन स्लाइवर इनटू थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। तो गाइस, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स और रोविंग फ्रेम वो मशीन होती है जो आपके ड्रॉन स्लाइवर को एक पतले फाइबर स्टैंड में बदल देती है और उस पतले फाइबर स्टैंड के अंदर थोड़ा ट्विस्ट भी दिया जाता है। द स्लाइवर इज ड्राफ्टेड मैनी टाइम्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ ड्यूरिंग रोविंग फ्रेम प्रोसेस। गाइस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप स्लाइवर को उसकी लंबाई के कई गुना तक लंबाई बढ़ाते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं और लिटिल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इज इंसर्टेड टू इट टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द रोविंग। और साथ साथ में जो हमें थिन फाइबर स्टैंड प्राप्त होता है उसमें हम ट्विस्ट भी देते हैं, जिससे आपके फाइबर स्टैंड की जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ जाती है। दिस रोविंग इज बाउंड ऑन टू द लार्ज कॉनिकल पैकेजेज। और ये जो रोविंग होती है उसको हम एक बड़े से कॉनिकल पैकेज पे बाउंड करते हैं। दीज पैकेजेस आर यूज्ड एज इनपुट मटेरियल ड्यूरिंग रिंग फ्रेम प्रोसेस। और ये जो पैकेजेस होते हैं, रोविंग के पैकेजेस होते हैं, उनको हम रिंग फ्रेम के अंदर एज ए इनपुट मटेरियल यूज करते हैं। द वेट पर मीटर ऑफ स्लाइवर इज रिड्यूस्ड अप टू ग्रेट एक्सटेंट। और जो हमारा फीड करते हैं स्लाइवर, तो उसका वेट पर मीटर होता है वो बहुत ज्यादा सीमा तक घटा दिया जाता है। एंड इट इज मेड सुइटेबल फॉर रिंग फ्रेम। तो इस तरीके से जो हमारा रोविंग होता है वो रिंग फ्रेम में स्पिनिंग के लिए अनुकूल हो जाता है। अब गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सिंप्लेक्स मशीन होता है या रोविंग मशीन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिंप्लेक्स और रोविंग फ्रेम। तो गाइस, क्या होता है इसके जो हम ऑब्जेक्ट हैं वो नीचे बता रहे हैं। गाइस, तो आप देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। टू कन्वर्ट ड्रॉन स्लाइवर इंटू रोविंग एंड टू मेक इट सुइटेबल फॉर रिंग फ्रेम। तो जो पहला ऑब्जेक्ट होता है रोविंग फ्रेम का, वो होता है कि आपका जो ड्रॉन स्लाइवर होता है उसको एक पतले फाइबर स्टैंड में बदल देता है और उसको रिंग फ्रेम प्रोसेस के लिए अनुकूल बना देता है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखिएगा, टू रिड्यूस द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्लाइवर और वेट पर यूनिट लेंथ। और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है गाइस कि जो आपका स्लाइवर वेट पर यूनिट लेंथ होता है,
तो उसको घटा देता है। तीसरा होता है टू इंसर्ट ए लिटिल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इन द रोविंग टू इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ ऑफ इट। तो जो तीसरा ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि आपका जो स्लाइवर था ड्रोन स्लाइवर उसकी ड्राफ्टिंग हो गई तो उसकी जो बेड पर यूनिट लेंथ था वो घट गया, मतलब वो पतला हो गया। अब पतला होने के बाद में वो मजबूत नहीं रहता है तो उसके अंदर क्या करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट हम इंसर्ट करते हैं, ट्विस्ट डालते हैं, तो उससे आपका रोविंग होता है वो मजबूत हो जाता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। गाइस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए टू मेक लार्ज कॉनिकल पैकेज ऑफ रोविंग सुइटेबल फॉर रिंग फ्रेम। और जो उद्देश्य होता है अगला तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो रोविंग हमारी बन रही होती है उसके बड़े बड़े पैकेजेस बनाए जाते हैं जिनकी शेप कॉनिकल टाइप की होती है, जो कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है रिंग फ्रेम उसके लिए ये जो पैकेज होते हैं वो अनुकूल हो सकें। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए गाइस टू इंश्योर इजी एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बाई मेकिंग लार्ज पैकेजेज। गाइस जब हम लार्ज पैकेजेज बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर से उधर लाना और ले जाना जो होता है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है और इजी हो जाता है। तो गाइस ये तो हुए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लेक्स और रोविंग फ्रेम। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपका रोविंग फ्रेम होता है उसके अंदर मटेरियल का पेसेज होता है वो किस तरीके से होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर, तो गाइस ये जो आपका मटेरियल का पेसेज होता है रोविंग फ्रेम में तो उसका एक ये स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है मैंने आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गाइस ये होती है आपकी स्लाइवर कैन होती है, इसके अंदर स्लाइवर भरा हुआ होता है और ये आपके गाइड रोलर होते हैं, दो ये आपके गाइड रोलर होते हैं, इसको ये गाइड करते रहते हैं। और ये है आपका ये देख रहे हैं आप, ये है आपका ड्राफ्टिंग सिस्टम है। तो ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या करता है स्लाइवर की लेंथ को बढ़ाता रहता है, मतलब आपके स्लाइवर को खींचता रहता है, तो उससे आपका स्लाइवर का बेड पर यूनिट लेंथ होता है वो घटता जाता है, मतलब आपका स्लाइवर होता है वो पतला होता जाता है। और ये जो आपका फ्रंट रोलर होता है यहाँ पे एप्रन लगे होते हैं, तो ये एप्रन का काम ये होता है कि ये जो आपका फाइबर है, तो पहले क्या था स्लाइवर फॉर्म में था तब ये मोटा था तो इसको सपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई भी गाइडेंस देने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे ये पतला होता जाता है, जब लास्ट में पतला होता है तो इसको गाइड करने की आवश्यकता होती है, सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एप्रन होते हैं ये यूज किए जाते हैं। ये देखिए ये एप्रन है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है इसके अंदर 4 टॉप रोलर हैं और 4 बॉटम रोलर हैं। और गाइस इसके बाद में फाइनली आप यहाँ देखिए ये आपकी यहाँ पर रोविंग निकली, तो इसके अंदर ट्विस्ट नहीं होता है। तो जब ये यहाँ पे देखिए ये आपकी बॉबिन है, तो और ये आपका क्या है फ्लायर है, तो इसके अंदर से ये जा रहा, जब ये घूमता है फ्लायर तो आपके रोविंग के अंदर ट्विस्ट इंसर्ट होता है। और ये जो होता है मैकेनिज्म लगा होता है वहां पे, ये अप डाउन भी होता है धीरे धीरे करके ट्रेवर्स करता है ऊपर नीचे, तो इसके ऊपर कॉइल बनते जाते हैं। और ये जो आपका वोवेन होता है ये भी साथ साथ में घूमता रहता है। तो गाइस ये तो हो गया आपका पेसेस। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। द स्लाइवर ऑब्टेंड फ्रॉम ड्रॉ फ्रेम और आफ्टर कॉम्बिंग इज यूज एज फीड मटेरियल इन सिंप्लेक्स और रोविंग मशीन। तो जो ड्रोन स्लाइवर होता है जो हमें ड्रॉ फ्रेम से मिल रहा है या कॉम्बिंग के बाद में स्लाइवर मिलता है उसको एज ए इनपुट मटेरियल या फीड मटेरियल यूज किया जाता है। दिस स्लाइवर इज पुट इनटू लार्ज कैन, और ये जो स्लाइवर होता है इसको एक बड़ी कैन में रखा जाता है। दिस स्लाइवर फर्स्ट ऑफ ऑल पासिस थ्रू सेपरेटर, तो सबसे पहले ये सेपरेटर के थ्रू गुजरता है। फ्रॉम दिस पॉइंट स्लाइवर गोज ओवर द गाइड रोलर एंड देन टेंशनिंग रोलर। तो इसके बाद में जो स्लाइवर होता है पहले तो वो जाता है आपके गाइड रोलर के थ्रू और उसके बाद में टेंशनिंग रोलर से पास होता है। नाउ द स्लाइवर एंटर इन ड्राफ्टिंग जोन, तो इसके बाद में आपका स्लाइवर होता है ड्राफ्टिंग जोन में एंटर करता है। व्हेन इट पासिस बिटवीन ड्राफ्टिंग रोलर्स, तो यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग जोन होती है उसके अंदर क्या होता है ड्राफ्टिंग सिस्टम लगा होता है, ड्राफ्टिंग रोलर लगे होते हैं, उसके बीच से गुजरता है। जनरली ए ड्राफ्ट ऑफ 6 to 15 इज एम्प्लॉयड टू द फीड स्लाइवर। तो ये जो हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है रोविंग फ्रेम का या सिंप्लेक्स फ्रेम का, उसके अंदर 6 से लेके 15 तक का जो ड्राफ्ट होता है वो यूज किया जाता है। द ड्राफ्टिंग सिस्टम एटेन्यूएट्स द स्लाइवर मैनी टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो जो हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है वो स्लाइवर की लेंथ को कई गुना बढ़ा देता है और रिड्यूसेस द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर। तो जब आपकी लेंथ बढ़ती है तो आपकी
वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ सर्वाइवर वो घट जाती है। द आउटपुट मटेरियल रोविंग आफ्टर ड्राफ्टिंग हैज वेरी पुअर स्ट्रेंथ ड्यू टू लो लीनियर डेंसिटी। तो गाइज जब ड्राफ्टिंग हुई, ड्राफ्टिंग के बाद में जो आपका आउटपुट मिलता है, रोविंग मिलती है, तो वो क्या होता है, बहुत उसकी स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि वो लीनियर डेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाती है गाइज। Therefore, it needs a little amount of twist to hold the fiber together. तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि हम अपनी रोबिंग के अंदर कुछ ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं जिससे कि हमारे रोबिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। The drafted strand of fiber passes through a flyer to provide this twist. तो इस ट्विस्ट को देने के लिए जो हमारा रोबिंग होता है उसको हम फ्लायर के थ्रू पास करते हैं। यूजुअली 30 to 65 टर्न्स पर मीटर आर इंसर्टेड इनटू द रोबिंग। और गाइस हम क्या करते हैं कि अपनी रोबिंग के अंदर 30 से लेके 65 टर्न्स पर मीटर तक इंसर्ट करते हैं। देयर आर स्पिंडल्स इन द फ्लायर ऑन व्हिच द ट्विस्टेड रोबिंग गेट्स बाउंड। तो जो हमारा फ्लायर होता है उस पर एक स्पिंडल भी लगा होता है और उसमें बॉबिन भी यूज की जाती है, जो रोबिंग बॉबिन होती है, तो उसके ऊपर आपका जो ट्विस्टेड रोबिंग होती है वो बाउंड होती रहती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रोबिंग प्रोसेस क्या होती है और रोबिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने आपको पेसेस के बारे में भी बताया। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन भी दबाइए, इससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।